नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शासन स्तर से नामित नोडल अधिकारी श्री नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जेल चुंगी चौराहे से यादगारपुर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा है, इसका आज ये प्रोग्राम माननीय महात्मा गांधी जी को, हमारे जो है बापू नेशन के, हमारे परमपिता महात्मा गांधी जी के प्रति एक स्वच्छांजलि के तौर पर 10 से 11 बजे का ये श्रमदान सभी जगह आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री की और हमारे मुख्यमंत्री जी की ये भावना है, पूरा भारतवर्ष हम पूरे विश्व में एक लीडर के तौर पर सामने आया है, एक जो है विश्व गुरु के तौर पर सामने आया है। उस विश्व गुरु में कई चीजें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब पूरा विश्व हम लोगों की तरफ देखता है, तो उनको हमारा हर नगर हर गाँव एक क्वालिटी में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गुणवत्ता के तौर पर दिखना चाहिए, और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम अपने पर्यावरण को अच्छे से रखें। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जल पोल्यूशन, हमारे यहाँ तो हम इन सबको देवी देवता ट्रीट करते हैं, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये भी जरूरी है। किसी प्रकार का उसमें पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की गंदगी ना रहे। उसी में आज मेरठ जनपद, जो कि हमेशा से उत्तर प्रदेश का एक अग्रणी जनपद रहा है, मेरठ नगर ये पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक एग्जाम्पल बनकर सामने आ रहा है, और उसमें आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो हमारे माननीय सांसद जी है यहाँ पर, हमारे नगर महापौर जी, जिलाधिकारी, सभी अधिकारी, यहाँ के नगर आयुक्त साहब इसमें लगे हुए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है, जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में एक एक प्रमुख सचिव पर नोडल बना के भी भेजा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरठ में बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम का आयोजित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरठ नगर और मेरठ जनपद एक जो है आदर्श नगर के तौर पर, आदर्श जनपद के तौर पर अन्य सभी को अग्रणी भूमिका निभाएगा, उनको एक मार्गदर्शन देगा किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करनी है, महात्मा गांधी जी के प्रति हमारे स्वच्छांजलि अर्पित करनी है और अपने शहर को साफ छोड़ना। इसमें सबसे जरूरी है जन सहभागिता, और आज इसका एक बहुत अच्छा यहाँ पर रूप दिख रहा है। और मेरा सभी से, शहरवासियों से भी अनुरोध है कि जिस प्रकार से सांसद जी, यहाँ के महापौर जी, सभी अधिकारी, सभी वार्ड सदस्य लगे हुए हैं, उनके साथ सहयोग करें और सुनिश्चित करें, क्योंकि वो